नहीं हमने नहीं खाना, हम नहीं खा सकते बर्गर, मेरा बहुत अटक खत्म। शाम को जो पटाखे से जल गया था दे दिया खाने के लिए, आज दूध रोज दिया तुम्हें खाने धुले गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। अभी टाइम हो गया 4 बज गए, थक गई हूँ, सबको पीस सबको उठा उठा के, सब ऐसे ही फैला हुआ था, सबको बांधा है पहले, उसका सबको उठा उठा के रखा। लाइट हमारे यहाँ बहुत देर से भागा हुआ है, पता नहीं क्यों। अभी हम सब ने खाना खाया 3 या 3:30 बजे, उसके बाद पीस उसको बांधने लगी थी, फिर से जमा हो गया, आज ही खाली हुआ था। अब जा रही हूँ पीस चिपकाने, रेहान अक्सर चले गए ट्यूशन, आज उनका 3 बजे का ही ट्यूशन था। खाने में वही दाल चावल सब बनाया था, और कपड़ा भी धोना है मुझे आज शाम को, शाम को काकी धोना ही था। दोनों आएंगे उसके बाद सर्फ मंगाऊंगी, ख़त्म हो गया फिर धोंगे। अभी जा रही हूँ पीस चिपकाने के लिए लग जाने, क्योंकि कल से ही छुट्टी पे काम हूँ, है नहीं बेले ही हूँ कल से। अभी जाके लाइट आया 5 बजे, बोल चालू किया मैंने, और क्या बोलते हैं, अभी जा रही कपड़ा धोने के लिए, लगा देने के लिए, और काम करती रहूँगी, इधर कपड़ा धोता रहेगा, एक साथ दो दो काम, बाकी सारे बाद में, काम जरूरी है पहले चिपकाने, घर का काम तो होता ही रहता है। थोड़ा सा ही कपड़ा है, बस दोनों का ड्रेस है, एक दो कपड़ा है, जल्दी हो जाएगा। मैंने मंगा लिया सरफ उरफ, दूध दूध सब मंगा के रख लिया, और अभी धुल गया था बस, वो पीस को भी छोड़ दिया, जा रही बर्तन धो लिया, अभी पानी निकाल रही, बर्तन धो लेती हूँ। चिपकाने के चक्कर में एक बार इधर इधर यहाँ आ रही हूँ, इधर चिपकाने जा रही हूँ, उससे अच्छा है कि मैं बर्तन धन धो के एक बार बैठ जाऊँ काम करने का, प्रॉपर खिरा के आऊँगी, उसके बाद हो गया सब चीज़। कपड़ा वपड़ा भी धुल गया, यही मंजी डाल के मैंने खिला दिया कपड़ा को, सब चीज़ कर दिया, जा रही काम करने। अभी 6:30 हुआ, अभी खाना वाना बनाना है नहीं, काम कर लेती हूँ। अच्छा हुआ मैंने बोला था ना उस दिन कि अगर फटाके से थोड़ा सा भी जला तो मैं और जला दूंगी। केचप बर्गर देखा इधर, कैसा बर्गर, ग्रिल हुआ बर्गर है, ग्रिल हुआ टाइप, मगर मैं नहीं खाती बर्गर। 4:30 बजे गिर जाएगा, ले ही ले कैचप ले। नहीं हमें नहीं खाना, हम नहीं खा सकते बर्गर, मेरा बहुत अटकता है, सूखा सूखा लगता है। नहीं नहीं हमें नहीं खाना, क्या रुपये बुला रहे, चिकन बना रहता तो खाइयो लेते, चिकन वाला सिर्फ खाना है। चाय बनाऊं? चाय नहीं बना सकता। पैसे ही रे, अक्सर मोबाइल मांग रही थी। चाय बनाऊं? हाँ? बोल भी नहीं के बनाऊं? इस चिपकाना ना। चाय ला। मैं तो अभी नहीं। दूसरा के फटाका में मुंह गुस्सा भी गया, तब ना पूरा मुंह जला है। तो हम बार बार मना करते हैं कि बच्चा को फटाका ला के मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम कब से मना कर रहे हैं, फटाका ला के मत दो, अच्छा बच्चा नहीं है, आखिर के मुंह जला ही लिया, पूरा कल्ला पे जला हुआ है, जल्दी खा के दवाई लगा दो। चाय कौन सा? नहीं पता, वहीं पे सारा दवाई होगा। क्या हुआ? फाइनली काम हुआ खत्म 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। उस बीच में मैंने बहुत सारे और काम भी किए, कपड़ा धोना ये सब करना, इधर उधर बर्तन धोना, बहुत सारा काम किया, और पीस भी चिपका लिया, और जा रही खाना बनाने, रोटी बना रही, रोटी दिया खाने के लिए, आज दूध रोटी दिया तुम्हें खाने के लिए, सब्जी नहीं बनाया मैंने, रेहान के पापा अंडा वहाँ खा लेंगे और दूध भी खा लेंगे, मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही, जा रही एक रोटी मलाई के साथ खाने के लिए, उन दोनों को दे दिया मैंने, मलाई लगा के लिया था, पीजा दूध पीजा, रात में दूध पी के सोचा पीजा, वो भी नहीं खाया मैंने, और रेहान को जो पटाखे से जल गया था कल्ला पे, बहुत आग जा कल्ला पे चिपक गया, अब दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है, उसका दर्द भी बहुत हो रहा है, देखा तो मैंने दवाई लगा दिया, ये देखो मैंने कल्ला पे ही हो गया, दवाई लगा दिया मैंने, बहुत दर्द हो रहा है, अब ज़मीन पे बैठ के खाने का नहीं है, ठंड बहुत लगती है पक्का पे, पक्का पे इतना खाना ना खाए तो हाथ मुँह नहीं जलता क्या? देखती से खाना खा ही नहीं रहा था, बहुत बोले तब खाया, उतार लो बहुत दर्द उतार लो, दूध रोटी दे दिया खाने,
हमारी बात सुनी। पता क्या बोला था कि पापा को बोलता ना तो बोलता कि और जला ले, तुझे बोल के गया होता ना, इसलिए पापा को नहीं बताया। पटाखा से नहीं चला, कागज चिपक गया था।